नौकरी कर दो यार, नौकरी से भी कर। अच्छा चार कटा है सुधार की दुकान से नीचे रास्ता है, बोले नहीं बोले इधर रास्ता बनाने का नहीं। नाम बताएं और ये बताएं कि शिवलिंग यहाँ प्रकट हुए हैं, कब पता चला और किसको सबसे पहले पता चला? सर मेरा नाम सुनील है, आज से समझो कि 6-7 दिन पहले इधर बारिश हुई थी। बारिश हुई इतनी ज़्यादा हुई थी कि बाढ़ इतनी आई कि समझो ये जो तवी नदी थी ये इस रास्ते से बहती थी। तो हम भी सुबह सुबह आ गए इधर, सुबह सुबह आए हम तो देखा कि इधर पानी का बहाव जो थोड़ा कम हो गया था। इधर पहुँचे इधर देखा हमने कि एक दो छोटा बच्चा था वो हिला रहे थे इनको। मैंने बोला क्या है, बोलने लगे इधर कुछ है गोल सा पत्थर है। जब मैंने देखा मैंने सोचा ये तो कोई शिवलिंग ही है। फिर क्या हुआ कि इधर 7-8 बंदे थे गांव वाले ही, उनको बुलाया मैंने, मैंने बोला यार इधर ऐसे ऐसे कोई गोल सा पत्थर आया है। वो बोलने लगे ऐसे ही होगा कोई गोल पत्थर, मैंने बोला नहीं ये शायद शिवलिंग हो। जब आए उन्होंने सबने देखा यार ये तो है ही शिवलिंग है, सीधा किया हमने इसको, इधर एकदम उल्टा पड़ा था हमने सीधा किया, जल वगैरह चढ़ाया। तो बाद में वो बोलने लगे चलो इसको उठाते हैं इधर से, कोई ट्रैक्टर वगैरह देखेंगे इसको कहीं मंदिर ले जाते हैं। हम समझो बड़े बड़े थे कोई 7-8 बंदे, लेकिन ये हमसे उठाया नहीं गया, सीधा किया हमने सीधा हो गया लेकिन उठाया नहीं गया। फिर हमने थोड़ा पूजा वगैरह की और बाद में गाँव के लोग वगैरह सभी देखने लगे, सभी बोलने लगे कि ये शिवलिंग ही है। तो अब कि ये मंदिर कहाँ बनाया जाएगा क्या? सर मेरा कहने का मतलब है कि देखो ये तवी नदी बिल्कुल इधर से बहती थी और इन्होंने हमको दर्शन देने थे, इन्होंने बताना था कि मैं इधर प्रकट हुआ हूँ। तो तवी नदी का पानी एकदम देखो वो साइड से चला गया, तो ये पानी बिल्कुल सूख गया। तो हम यही चाहते हैं अब मीडिया वालों की तरफ से कि इसका जो है मंदिर की स्थापना वगैरह इधर ही कहीं बनाई जाए, तो फिर इधर ही करेंगे इसका, बाकी जगह जगह कहाँ ले जाने हैं इनको। ये जहाँ ही प्रकट हुए कहीं बह के नहीं आए हैं, लेकिन ये पता नहीं कितने सालों से इधर ही विराजमान थे और अभी इन्होंने दर्शन देने थे। एक तो अमरनाथ का सीजन चल रहा है यात्रा का, तो इन्होंने अपना टाइम भी वही चुना कि देखो, नहीं तो कोई सोच नहीं सकता था सर कि इधर से तवी नदी अपना रुख उस साइड करेगी। तो इससे यही है कि इन्होंने शायद यही जगह चुनी हो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मंदिर वगैरह इनका इधर ही बनाएंगे। धन्यवाद जी। सर मेरा नाम शुभम है, मैं इधर पास भी गाँव में रहता हूँ। तो ये अभी तवी नदी जो उस साइड जा रही है, ये पहले इधर जाती थी, 9-10 तारीख को फ्लड पड़ा इधर, पानी का तेज बहा था, उस दिन हमें ये प्रकट नहीं हुए। उसके दूसरे दिन सुबह में चक्कर लगाने इधर आया तो एक बच्चा भी आया था साथ में, उसने देखा कि इधर शिवलिंग है, उसने हमें बताया कि इधर शिवलिंग निकले हुए है। फिर मैंने दर्शन किए, फिर हमने गाँव वालों को बताया कि इधर शिवलिंग प्रकट हुए है, सभी आए इधर, उन्होंने देखा। फिर 4-5 बंदों ने कोशिश की इसको हिलाने की, जे लेकर थोड़ी दूर पहुँचा उधर से, उसके बाद ये हिला नहीं, ये मतलब इतना शीशे की तरह है, इसमें आप अपना फेस भी दे सकते हो। जब से ये प्रकट हुए तो तभी नदी ने अपना रुख ही बदल दिया है, इधर पानी नहीं है बिल्कुल, अब पानी जो है दूसरी तरफ जा रहा है बिल्कुल, इधर पानी। क्या मंदिर बनाने की? हाँ हाँ मंदिर बिल्कुल मंदिर बनाएंगे हम, इधर गांव में ही बनाएंगे, इधर तो तभी नदी है, इधर तो कोई गुंजाइश नहीं है बनाने की, थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे, इधर स्थापित करेंगे इनको। जी नाम बताएं अपना। मेरा नाम है अमन गर्मे, मुझे रोहित बोलते हैं। मैं डिबर का गांव वाला का निवासी हूँ। ये बताएं ये जो यहाँ पे शिवलिंग मिला है ये क्या कहानी है और कैसे मिला, किसको मिला ये? ये कोई 2-3 दिन की पहले की बात है, एक छोटा सा लड़का था, गांव वाले का लड़का था, वो घूमने आया था, तो उसको पानी बहुत आया था तो उसको जे दिखा, ये हमारे बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, भाग्य की बात है कि हमको दर्शन मिलने को मिले।
नहीं, कहते कहा जा रहा है कि पहले तभी इसी रास्ते बहती थी लेकिन अब इसने रुख बदल दिया। हाँ, पहले तभी इस रास्ते में बहती, अब इसने रुख बदल दिया, जो हमारे के लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है, जो हमें बहुत बड़े दर्शन हुए। इधर से आगे जाके मंदिर बनाना इधर।